नमस्कार दोस्तों, आज जो हमारी क्वेरी है वो है विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी लॉ। और जो क्वेरी है वो देख लेते क्या है। तो क्वेरिस्ट कहते हैं, आई एम गिविंग समवन अ लोन इन कैश एंड सम अमाउंट इन वाइट एज अ सिक्योरिटी। दे आर सबमिटिंग देयर हाउस पेपर्स। इज देयर एनी अदर लीगल फॉर्मेलिटीज दैट नीड टू बी डन टू मेक श्योर आई गेट माई मनी बैक ऑन टाइम? डू आई नीड टू गेट हिम साइन समथिंग ऑन अ स्टैम्प पेपर टू बी ऑन अ सेफर साइड? तो जो क्वेरिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि वो किसी को एक फ्रेंडली लोन दे रहे हैं और उससे एज अ सिक्योरिटी उनके घर के पेपर्स रख ले रहे हैं। तो इनकी मेन क्वेरी ये है कि घर के पेपर्स रखने के अलावा क्या वो उनसे कोई और सिक्योरिटी ले सकते हैं जिससे कि वो अपने जो पैसे उन्हें दे रहे हैं वो उसको ठीक से सिक्योर कर पाए ताकि उनके पैसे टाइम पे रीपे हो जाए। तो डेफिनेटली दोस्तों, इसमें हमारा जो रिस्पॉन्स है वो ये है कि देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट द क्वेरिस्ट जो हमें क्वेरी कर रहे हैं ही शुड डू सो दैट उनका पैसा सेफ रहे। जैसे कि वो घर के पेपर्स ले रहे हैं, दैट इज वन, दैट इज समथिंग दैट ही कैन डू। नंबर टू, वॉट ही कैन डू इज एक उनसे रिटर्न अंडरटेकिंग ले सकते हैं 100 या 200 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर, जिसको कि वो नोटराइज करा लें। उससे क्या होगा कि जो अंडरटेकिंग होगी, जो पैसे ले रहे हैं, अगर वो अंडरटेकिंग देते हैं कि आई अंडरटेक टू रीपे सो एंड सो अमाउंट विच आई हैव टेकन फ्रॉम सो एंड सो पर्सन ऑन सो एंड सो डेट, और अगर मैं और उसी में अंडरटेकिंग में वो ये भी दे दें कि अगर मैं रीपे नहीं करता हूं तो नंबर 1 एक पीनल इंटरेस्ट उन पे लगा दें, 18 या 20% का इंटरेस्ट पर मंथ आई विल गिव दैट पर्सन अगर मैं पैसे रीपे नहीं करता हूं। नंबर 2, बाय वे ऑफ कॉम्पेंसेशन एक रीजनेबल अमाउंट आप उसमें डाल दें सो दैट वो जो कॉम्पेंसेशन अमाउंट है वो इतना एक डेटरेंट हो, इतना मतलब सफिशियंट हो कि जो पैसे आपसे ले रहे हैं एज अ लोन वो उस कॉम्पेंसेशन अमाउंट को देने के डर से आपको पैसे रीपे करें। तो अगर आप ये दो दो तीन चीजें करते हैं तो आई थिंक दिस शुड सिक्योर योर ट्रांजेक्शन। नंबर 1, अंडरटेकिंग ऑन व्हाट, ऑन अ स्टैम्प पेपर। नंबर 3, वो स्टैम्प पेपर के ऊपर जो आपने अंडरटेकिंग लिया उसे आप नोटराइज कराएं। नंबर 4, आप उस पर कॉम्पेंसेशन और इंटरेस्ट, इन दोनों चीजों को जरूर अपने अंडरटेकिंग में मेंशन करें। तो दिस इज द पेपर वर्क दैट यू कैन डू। और उस पेपर वर्क में आप ये भी लिखें कि बाय वे ऑफ सिक्योरिटी मैंने इनके घर के पेपर लिए हैं। और उसे और भी ज्यादा सिक्योर करने के लिए आप उनसे एक चेक भी ले सकते हैं, जो लेट्स से 100 रुपए का लोन उनसे वो लेट्स से 100 रुपए का लोन दे रहे हैं तो उनसे वो 100 या 200 रुपए का चेक उनसे रख सकते हैं। और उस चीज को अपने अंडरटेकिंग में लिखें कि मैंने इनसे सिक्योरिटी चेक्स ऑफ सो एंड सो अमाउंट लिया हुआ है विच आई शेल रिटर्न टू हिम एज एंड वेन ये अमाउंट मेरे को वापस दे दिया जाता है, या जो मेरा लोन अमाउंट है जब भी वो फुलफिल करते हैं वो मैं उनसे तब ये अमाउंट वापस ले लूंगा। सो दिस इज द वे, दीज आर अ फ्यू थिंग्स जब आप एक फ्रेंडली लोन दे रहे हैं जो कि आप दें तो आप कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा? नंबर 1, आप एक सिविल केस तो डेफिनेटली करेंगे इसमें रिकवरी का। अगर मान लीजिए आपका लोन वो रीपे नहीं करते जिन्होंने आपसे लोन लिया है, तो यू विल डेफिनेटली बी इंटाइटल टू फाइल अ केस इन द सिविल कोर्ट। और सिविल कोर्ट में ना केवल आप अपना जो अमाउंट जो आपने दिया है उसको रिकवर करने के लिए इंटाइटल्ड होंगे, यू विल ऑल्सो बी इंटाइटल टू रिकवर इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट प्लस कॉम्पेंसेशन। तो सिविल केस कर सकते हैं। नंबर 2, बाय वे ऑफ एन एडेड डेटरेंट, एक सर के ऊपर और प्रेशर डालने के लिए यू कैन ऑल्सो फाइल अ क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस से क्या होगा कि पुलिस का उनको अरेस्ट से डर लगेगा और उस सिचुएशन में नहीं पड़ने के लिए जो भी जिसने भी आपसे लोन लिया है वो आपको लोन रीपे नहीं करने से पहले 2 बार सोचेंगे। एंड थर्ड, आपने चेक अगर लिया है सिक्योरिटी चेक, तो अपार्ट फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल केस यू कैन ऑल्सो फाइल अ केस फॉर एक चेक बाउंस का केस भी आप फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। सो दिस वॉज अबाउट इट। अगर आप किसी को फ्रेंडली लोन देते हैं तो उसे आप लीगली कैसे इंश्योर करें कि आपको वो लोन रीपे हो जाए टाइम पर। सो दैट वॉज अबाउट इट टुडे। आई होप यू फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। एंड अगर आप हमारे ऐसे लीगल टॉपिक्स पे जो डिस्कशन होती है उससे जुड़े रहना चाहते हैं तो नंबर 1, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नंबर 2, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जहाँ पर हम ऐसे लीगल मुद्दों पे और लीगल टॉपिक्स के ऊपर जो हम डिस्कशन करते हैं और जो भी लीगल इश्यूज पे अपडेट्स होती हैं उसको हम उस ग्रुप पे शेयर करते हैं। उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। बिकॉज द इंटेंशन ऑफ मेकिंग दीज वीडियोज और ये चैनल का इंटेंशन ये है कि जो भी लीगल टॉपिक्स हैं, लीगल इश्यूज जो कि हमें डे टू डे लाइफ में हम उनसे इन टच आते हैं उसके बारे हमें एक लीगल अवेयरनेस हो, इसी तरीके से हम लीगली अवेयर एक सोसाइटी बना सकेंगे। तो विद दैट फ्रेंड्स, वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो।
आई टेक योर लीव एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम स्टे सेफ एंड गुड बाय।